तंत्रज्ञान की दुनिया में जीवन जितना सरल हो चुका है उतना ही खतरा मंडरा रहा है। इसी कथन को सिद्ध करते हुए कई साइबर मामले उजागर होते हैं। उसी श्रेणी में नागपुर साइबर विभाग अंतर्गत दो धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए हैं, जहां पर्यटन व्यवसाय कर रहे दो व्यापारियों को अज्ञात फ्रॉड ने लूट लिया, जिससे कि उनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। दरअसल मामले के फिरियादी 58 वर्षीय कमल जोशी, जिनकी दुकान टेलीफोन एक्सचेंज में सुहानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है, जिसके जरिए वह पर्यटन व्यवसाय करते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुक की जाती है। इस प्रकार से दिनांक 6 सितंबर को उनका लैपटॉप हैक होने की घटना उजागर हुई, जहां अज्ञात अपराधी द्वारा सुहानी इंटरप्राइजेस का अकाउंट हैक करते हुए पुरानी टिकट कैंसिल की गई और उन्हीं पैसों से नई 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटें बनाई गई थी, जिससे कि पूर्ण रूप से धोखाधड़ी का मामला यहां उजागर हुआ। इस प्रकार से दिनांक 7 तारीख को 33 वर्षीय अनिरुद्ध शर्मा के पवन सूट टूर्स एंड ट्रैवल से भी समान मामला आगे आया है, जहां फिरियादी से धोखाधड़ी कर अज्ञात आरोपी ने 5,04,996 का चूना लगाया है। वही सुहानी इंटरप्राइजेस से 3,24,996 रुपयों के नुकसान की खबर आगे आई है। नाम कमल जोशी है, सुहानी इंटरप्राइजेस मेरी फर्म का नाम है। मैं इंडिगो का ऑथोराइज एजेंट हूँ। 6 सितंबर की रात को मेरा इंडिगो लॉगिन आईडी हैक हुआ है और इंटरनेट में तो लॉगिन आईडी से उन्होंने टिकट हैक करके कैंसिल किया। उसके अगेंस्ट में उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट इशू किया है। तो 4 इंटरनेशनल टिकट थी नागपुर टू इस्तांबुल, वो कैंसिल करके उन्होंने कुल 23 टिकट नए PNR इशू किए हैं। लगभग मेरी 6,70,000 की टिकट थी और कैंसिलेशन करने के बाद मुझे नियर अबाउट 5 लाख समथिंग का रिफंड आया और 3,84,360 का टोटल मेरा नुकसान हुआ है। साइबर पुलिस ठाणे थे काल रोजी एक अपराध दाखल केलेला आहे 89/2023 IPC 420 विथ IT Act 43(66)C। ये अपराध में एक नया फ्रॉड आ चुका है, जिसमें जो विमान के टिकट के बुकिंग करते हैं, जैसे अपना रामदास पेट में पवन सूट ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नाम है, उनका विमान टिकट का आईडी हैक करके उन्होंने जो पहले टिकट निकाले थे वो टिकट कैंसिल करके बाद में उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट बनाया है। ये टिकट किसी अनजान आदमी ने बनाए जिसने वो आईडी हैक किया था। वैसा ही एक दूसरा एक मामला है जिसने सुहानी इंटरप्राइजेस, इनका ही बिजनेस वही है विमान टिकट बुकिंग का, उनका भी आईडी हैक करके वो अनजान आदमी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट बनाए हैं। उसके खिलाफ साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है और आगे के तपास जारी है। उसमें कुल मिला के 8 लाख के आसपास वो अनजान आदमी ने इनके साथ धोखाधड़ी किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।